हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं मसाला चाय। मसाला चाय सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छा रहता है पीना। इससे इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट होता है हमारा, और इसको पीने से हम सर्दी जुकाम वगैरह जैसी चीजों से भी बच सकते हैं। आइए तो हम शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं मसाला चाय। मसाला चाय बनाने के लिए हमें चाहिए ये सब चीजें, जिसके लिए मैंने क्या लिया है, दो इलायची, दो लौंग, दो चम्मच पत्ती, जिस जो कि ये है चम्मच टीस्पून, ये लिया है मैंने, और एक मोटी इलायची, एक मैंने ली है, एक आधा चम्मच मैंने सौंफ ली है, एक छोटा सा ब्लॉक मैंने जिंजर का लिया है, और मैंने लिया है ये वाला कप। इस कप के हिसाब से मैं चाय बनाऊंगी। इसके लिए मैं क्या करूंगी कि मैं इस पैन में एक कप पानी डालूंगी, मैं जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि मैं यहां पे लाइट मिल्क यूज कर रही हूं, तो तीन कप चाय बनाने जा रही हूं मैं, तो तीन कप चाय के लिए मैं इसके अंदर दो कप लाइट मिल्क डालूंगी। लेकिन अगर आप फुल क्रीम मिल्क यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आधा आधा मात्रा में यूज कर सकते हैं, 1:1 की रेशो में। तो गैस जला दी है मैंने, और अब हम क्या करेंगे, एक कप पानी के अंदर सारे सूखे मसाले एक एक करके डाल देंगे। और अदरक को हम ग्रेट करके डालेंगे। अब इसको एक बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें अब बॉयल आ गया है, बहुत अच्छा बॉयल आ गया है। ये बॉयल आना बहुत जरूरी है ताकि कि पूरा का पूरा सूखे मसालों का असर इस पानी में जाए। अब हम क्या करेंगे, हम अपना जो दो चम्मच हमने पत्ती ली थी, अब हम उसको इसके बीच में डाल देंगे, और एक मिनट के लिए अब हम इंतजार करेंगे ताकि ये मिल जाए इसके साथ। अब हम इसमें दूध डालेंगे एक कप, और अब ये दूसरा कप। अब हम क्या करेंगे कि अपनी जो आंच है, गैस की आंच, उसको हम बिल्कुल स्लो कर देंगे, और इसको अब हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि कि सारा का सारा सूखे मसालों का और पत्ती का जो मिश्रण है वो अच्छे से इसमें घुल जाए और बहुत असरदार ये चाय बन जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब ये उबाला आ गया है, काफी देर तक चाय को पकने का मौका मिला गैस पे, तो अब ये सारे सूखे मसालों का असर इसमें आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पोनी की सहायता से, इस फिल्टर की सहायता से हम क्या करेंगे, अपनी चाय को छान लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो ये चाय अब रेडी है मट्ठी के साथ, आप इसका मजा ले सकते हैं। और चीनी जैसे कि आपने देखा कि हमने बनाते समय नहीं डाली है, तो आप अपने स्वाद अनुसार इसके अंदर चीनी डाल सकते हैं और चाय का मजा ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, और प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करना, प्लीज, थैंक यू।